देवी। देखिए देवराज ब्राह्मण चोरी करने के बाद भी भगवान शंकर के धाम गया है, उसका एक कारण था कि देवराज ब्राह्मण की माता एक लोटा जल शिव को समर्पित करती थी। कितना जल? जम के बोलिए जरा, एक लोटा। और आप सबको कहूंगा शिव मंदिर में प्रतिदिन एक लोटा पानी, एक लोटा जल अवश्य अवश्य चढ़ाना। एक लोटा पानी भगवान शंकर को अवश्य। क्या होता है? तीन दोष समाप्त होते हैं एक लोटा पानी शिवजी को चढ़ाने से। तीन दोष, पहला पितृ दोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा कालसर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे वास्तु दोष समाप्त होता है। दूसरे नंबर पर है पितृ दोष। घर का जो मटका होता है, परिंडा होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है उसमें से अगर भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चलता है। इसलिए वो भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर कालसर्प दोष। भगवान शंकर को एक लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर एक लोटा पात्र जल का अगर चढ़ा रहे हो तो आपका काल सर्प दोष समाप्त। काल सर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में काल सर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है और वो शिवजी पर अगर एक लोटा पानी जैसे शंकर जी पर जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को नहला लिया, गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, सारे देवता उनको एक ही थाली में रखकर स्नान कराकर वो शंकर का चढ़ा हुआ जल जब चढ़ाया जाता है तुलसी जी में ले जाकर लोग डाल देते हैं, उससे जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की पत्रिका में काल सर्प दोष आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा लो, एक ही पात्र में स्नान करा लो, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लेना चाहिए। अलग से और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना। तुम्हारे घर में जो पौधा हो, जो पौधा हो आपके घर, आप उसको उसमें समर्पित कर दो। जैसे बेलपत्री चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना या जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना, एक पत्र है बड़ा सुंदर है, छोटा सा भाव, प्रश्न अच्छा है आप सबके हित का। अरुणा जी अग्रवाल जयपुर, झरना जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से इन्होंने प्रश्न किया है। गुरुदेव, दूध कच्चा दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पे चढ़ाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है। और शिव महापुराण की कथा रुद्राक्षोत्सव चल रहा है तो आप उसको समझें। दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ना चाहिए या जो शिवलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजमान होता है उस पे भी चढ़ाना चाहिए? अगर लिंग पुराण आप उठाकर देखेंगे
तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है जिसमें पीले कलर के शिवलिंग का वर्णन होता है, सफेद, लाल, पीला और काला। ये शिवलिंग का आपको पहले वर्णन करा है। ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाता है, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बनाता है, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है, शूद्र काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है। काली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है। ये जो वर्णन किया गया है कि उसमें लिंग पुराण के अंतर्गत एक पीले शिवलिंग का वर्णन आता है कि पीला जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग का भाव कितना सुंदर बताया गया है। उसमें व्याख्यान वर्णन में आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे लिंग पुराण के अंतर्गत तो उसमें आता है कि दूध जब आप देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कथा कहती है, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणें वर्णन करती है, वराह पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ये जितनी पुराणें सब वर्णन करती है कि जब शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं तो केवल शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ा देने से संपूर्ण परिवार पर दूध चढ़ जाता है। अलग से हमें कहीं चढ़ाने की जरूरत नहीं, अलग से हमें कहीं दूध ले जाकर चढ़ाने की जरूरत नहीं कि हमें गणेश जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, देवी जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, कार्तिकेय जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा या नंदी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा। तो जो प्रश्न करा है जन्ना जी अग्रवाल जी ने, जयपुर राजस्थान से हैं, सुंदर प्रश्न करा है और ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि शंकर भगवान पर चढ़ाया गया थोड़ा सा भी दूध जल जो हम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं वो केवल शिव के लिए नहीं रहता, केवल भगवान शंकर के लिए नहीं है, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाता है, स्वयं 33 कोटि देवताओं को। अलग से देने की जरूरत नहीं होती। महाराज एक लोटा पानी, बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं, दूसरा जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के निवारण, रोग मुक्ति के। जैसे कोरोना महामारी के अंतर्गत अपन सब ने स्मरण किया ऑनलाइन शिव महापुराण में कि एक वर्णन किया था कि अगर ज्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो एक लोटा दूध था और एक लोटा पानी बेलपत्र रखकर फिर चढ़ाने का उस समय पर वर्णन किया था। आप लोगों ने, कई लोगों ने उसको किया भी और उसका लाभ आपको मिला। उसी तरह आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, लोग भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है पहले जल चढ़ाता है फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन है। पहला अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले फिर जल।
और जब कुछ कार्य के लिए आप सिद्धता के लिए आप अच्छे कार्य के लिए आप मन की प्रसन्नता के लिए आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ा उसका लाभ आनंद में। आपने जल चढ़ाया उसके बाद बेलपत्र बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं बेलपत्र समर्पित करते हैं बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की मध्य की जो पत्ती होती है उसको अंगुष्ठ से पकड़ा जाए उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें प्रयास करें। बेलपत्र जो हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं उसका मध्य जो भाग होता है बेलपत्री का जो तीन देवताओं का मध्य जो भाग होता है उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित करना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी वर्णन किया है कि बेलपत्री की डंडी का मुख कहाँ होना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी बताया गया है कि बेलपत्री की दोनों तीनों डंडियों के बीच में तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है डंडी होती है उसका क्या महत्व है ये पूर्व की कथा में पहले बता चुके हैं। पर आज जो क्रम चल रहा है कथा का उसमें अपन जो समझ रहे हैं वो ये होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चढ़ा रहे हैं आपके जल चढ़ाने का क्रम क्या है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ेगी फिर जल चढ़ेगा। आप कार्य सिद्धि के लिए चढ़ा रहे हैं पहले जल चढ़ेगा फिर बेलपत्र चढ़ेगी। और यदि कोई विशेष कार्य है आपका जो आपको भगवान शंकर से जाकर कहना है कोई विशेष कार्य जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है वैकुंठ में भगवान विष्णु है पर संसार सागर में ब्रह्मांड में मृत्यु लोक में अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महा देव वो देव अधिदेव महादेव दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं है। भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो सब गाइए ना घर के भरोसे हो ना परिवार के भरोसे हो भोलेनाथ दया करना एक भरोसा होता है शंकर का भगवान का एक भरोसा होता है दिखता नहीं है दिखता नहीं ना इनके भरोसे हूं ना उनके ना इनके भरोसे हो ना उनके भरोसे हो भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे
भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप किसके भरोसे पर आए हो? जम के बोलो जरा, भोले नाथ के। शिव के भरोसे, और जो उसके भरोसे पर रहता है फिर वो साध, वो साधता है, उसको साधना होता है। और देखो रे भैया, शिव साधे भोलेनाथ दया